ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं उस नीलोफर की जिसके बारे में हवा बनाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि वो तबाही मचाएगा, लेकिन प्रदेश के अंदर जैसलमेर के जिला कलेक्टर भी कहते हैं कि इससे डरने की जरूरत नहीं है। मौसम विभाग के निदेशक भी कहते हैं कि इससे डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसका असर बाड़मेर में भी दिखाई देने की बात की जा रही है। यहाँ किस तरीके के हालात होने वाले हैं और क्या कुछ तैयारियां यहाँ पर की गई है, जरा सुनिए बाड़मेर के ADM हरभान मीणा क्या कुछ कहते हैं। आपदा प्रबंधन और राहत सचिव हैं श्री कुंजीलाल जी, उनकी तरफ से एक मैसेज संभागीय आयुक्त महोदय के और जिला कलेक्टर के नाम आया है। इसमें ये सूचना दी गई है कि ये गुजरात के तट पर 23 तारीख को नीलोफर पहुंचेगा और उसके बाद ये बाड़मेर और जालौर जिले में जाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा कोई इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा नहीं है, वर्षा 10 से 20 mm हो सकती है और हवाओं की गति भी 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से हो जाएगी और ये 31 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर को ये कमज़ोर पड़ जाएगा। इसमें कोई ज़्यादा इसको लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित और कोई ऐसी आपदा की स्थिति नहीं है, फिर भी हमने एहतियात के तौर पर सभी SDOs को इसके लिए अलर्ट कर दिया है और उनकी सूचना भेज दी है और जो भी प्रशासन की तरफ से और जिसके जो भी इसमें संबंधित विभाग हैं वो अपने अपने कार्रवाई करेंगे। यानी नीलोफर का ज़्यादा असर दिखाई नहीं देगा और अगर थोड़ा बहुत असर होगा तो प्रशासन उससे निपटने की पूरे दावे यहां पर कर रहा है, लेकिन नीलोफर तूफान की आहट से जयपुर एयरपोर्ट प्रशासन भी अलर्ट हो गया। सांगनेर एयरपोर्ट प्रशासन इसके लिए मौसम विभाग से तालमेल बनाए हुए है। एयरपोर्ट डायरेक्टर SN बोरकर ने बताया कि हम नीलोफर की मूवमेंट पर अपने स्तर पर भी नजर बनाए हुए हैं, उसकी गति और दिशा को देखते हुए फ्लाइट्स की उड़ान पर फैसला किया जाएगा। देखिए मौसम विभाग का ही उसमें जो भी उनका कहना है वही हमें सभी को ही मानना पड़ेगा क्योंकि वो फोरकास्ट करने का काम उन्हीं का ही है। और जहाँ तक अलर्ट का सवाल है, हम डेफिनेटली हम अपने जो हमारा एयर ट्रैफिक है उसके लिए हम उसको ध्यान में रखे हुए हैं और जैसे भी कोई भी प्रॉब्लम्स उसके उससे अगर पैदा होती है तो हम डेफिनेटली पूरे तरीके से तैयार हैं। तो इसे डरने की जरूरत नहीं है और मौसम वैज्ञानिक ने भी, जो मौसम विभाग के निदेशक हैं, उन्होंने कहा था कि कोई ज्यादा खतरा नहीं होगा, लेकिन हाँ किसानों को इस पर थोड़ा सा असर दिखाई दे सकता है। आखिर किसानों पर किस तरीके का असर दिखाई देगा, फसल पर किस तरीके का असर दिखाई देगा, इस पर बात करने के लिए कृषि वैज्ञानिक BD यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यादव जी, नीलोफर की बात यहाँ पर की जा रही है, बारिश की बात की जा रही है, आंधी की बात की जा रही है, फसल को लेकर किस तरीके की यहाँ पर नुकसान होने की अनुमान आप बता सकते हैं? जी हाँ, नीलोफर जो तूफान है इसकी वजह से वैसे बारिश होगी तो जो अगली वाली जो फसल बोएंगे किसान उसके लिए तो फायदेमंद है जी, क्योंकि पानी की बचत हो जाएगी और बिजली की बचत होगी, फसल टाइम पे बुआई कर देंगे। परंतु जहाँ पे जो सब्जियां लगा रखी है ना किसानों ने या फलदार पेड़ लगा रखे हैं जी, वहाँ पे कुछ संभावना है, हो सकती है थोड़ी बहुत ज्यादा यदि बारिश हो जाती है तो नुकसान सब्जियों में हो सकता है। यादव जी, महज 10 से 20 mm के करीब यहाँ पर बारिश होनी है, क्या ये वाकई में इतनी बारिश है कि किसानों को डरने की जरूरत है? नहीं, इतनी बारिश से तो डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये बारिश तो फायदा करेगी अगली फसल के लिए। चलिए यादव जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कृषि वैज्ञानिक का कहना है कि किसानों को भी इससे ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, उल्टा इससे फायदा यहाँ पर हो सकता है, यानी नीलोफर से राजस्थान को डरने की कोई जरूरत नहीं है। कोई खास असर इसका यहां पर दिखाई नहीं देगा, लेकिन फिर भी आप थोड़ी सी एहतियात जरूर बरतिएगा तो बेहतर होगा। लेकिन हर किसी के जहन में एक सवाल खड़ा होता है कि आखिर कभी सुनामी, कभी हुदहुद, तो कभी नीलोफर, इन नामों के पीछे की कहानी क्या है, कैसे और कौन इनके नाम रखता है, चलिए हम आपको ये भी बताते हैं। तबाही मचाने वाले तूफान के नामों के पीछे की कहानी भी काफी इंटरेस्टिंग है। हर नाम का एक मतलब है और इनके नामकरण के लिए बाकायदा 8 देशों का संगठन है। 2004 में तूफानों के नाम रखने की शुरुआत हुई थी। हिंद महासागर में आने वाली चक्रवातों के नाम दिए जाते हैं। हिंद महासागर के आसपास स्थित 8 देश नाम देते हैं, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार, ओमान, श्रीलंका और थाईलैंड नाम रखते हैं। इनके प्रतिनिधियों की मदद से नाम रखे जाते हैं। ये नाम देशों की वर्णमाला के क्रम में होते हैं।
नीलोफर का नाम पाकिस्तान ने दिया है। इससे पहले 2012 में पाकिस्तान ने नीलम नाम दिया था। हर देश 8-8 नाम देता है, यानी कुल 64 नाम अभी तक रखे गए। इनमें नीलोफर 35वां नाम है जो तूफान को दिया गया है, और अभी भी 29 चक्रवातों के नाम कतार में हैं। भारत की तरफ से मेघ, सागर और वायु नाम दिए गए हैं। हर साल 8 देशों की बैठक होती है। हर साल चक्रवातों का नामकरण किया जाता है, जरूरत के हिसाब से नाम बदले भी जाते हैं। अगला चक्रवात का नाम भी दे दिया गया है। नीलोफर के बाद अगली चक्रवात होगी अशोभा। अगली चक्रवात का नाम अशोभा श्रीलंका ने दिया है। अब सवाल खड़ा होता है कि इनके नाम क्यों रखे जाते हैं। तो आपको बता दें कि तूफानों के बारे में जानकारी देने या ब्रॉडकास्टिंग के लिए इनका नाम रखना बेहद जरूरी होता है। जिस तरह नाम से व्यक्ति की पहचान होती है, उसी तरह इनके नाम भी रखे जाते हैं, ताकि अलग अलग देशों के वैज्ञानिकों को बातचीत करने में कोई द्विधा ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन ये साफ हो गया है कि नीलोफर का प्रदेश के अंदर कोई ज्यादा असर दिखाई नहीं देगा। फिर भी फर्स्ट इंडिया आपसे अपील करता है कि आप थोड़ी सी एहतियात जरूर बरतिएगा। और इसके बाद ये साफ हो गया कि मौसम में थोड़ा सा बदलाव देखने को मिलने वाला है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, और चलते चलते आपको छोड़ चलते हैं आज के मौसम के साथ। नमस्कार।